घड़ी के साथ रियाज कैसे किया जाता है। संगीत में रियाज करने के लिए आपको हारमोनियम की आवश्यकता होती है, तबले की आवश्यकता होती है, तानपुरे की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम सीखना शुरू करते हैं तो हमारे मन में पहली यही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यार ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो है नहीं, हमारे पास ये सारी साधन नहीं हैं, सुविधाएँ नहीं हैं, तो हम रियाज कैसे करेंगे। लेकिन संगीत का जो प्रथम जो चैप्टर है, लेसन है, जिसे हम कहते हैं लय, गति, स्पीड, उसका रियाज करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है ये, यानी कि आपकी घड़ी। तो अब इस घड़ी के साथ कैसे रियाज किया जा सकता है, आज पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि आपके घर में सबके पास होती है ये, और इसके साथ आप कैसे संगीत की सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर मेरी सिस्टर हरिजा उनके द्वारा गाया हुआ गाना, ज़रूर सुनिए। तो आइए अब जानते हैं हम घड़ी से कैसे रियाज किया जा सकता है। सबसे पहले आप इस घड़ी को ध्यान से देखिए, इसमें आपको संगीत का क्या नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत गौर करेंगे और आपने संगीत को अच्छे से बारीकी से समझा है तो आपको ये मालूम है कि संगीत में होती है लय और इस घड़ी में एक सेकेंड का कांटा है जो एक पर्टिकुलर गति में चल रहा है। संगीत आप हर जगह महसूस कर सकते हैं, हर प्रकृति में हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन घड़ी में आपको बड़ी आसानी से मिलता है इस सेकंड के कांटे के साथ में। मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कि संगीत का रियाज करने के लिए आप किसी सिचुएशन, किसी जगह या किसी भी हालात का आप इंतज़ार मत कीजिए कि मैं यहाँ कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पिताजी कहते हैं कि एक कलाकार, सच्चा कलाकार वही है जो सबसे ज़्यादा बेशर्म है। उसको कहीं पे भी रियाज करने में, उसको कहीं पे भी गाना गाने में, कहीं पे भी परफॉर्म करने में अगर हिचक हो रही है तो वो फिर एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं माना जाएगा। एंड अगर उसे कह दिया कि 50 लोगों के सामने गाना है तब भी उतने ही कॉन्फिडेंस से वो गा पाए, जो भी वो गा रहा है, सही गलत जैसा भी, वो डिसाइड करने वाले ऑडियंस होती है, गुरुजन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। उन्हें, एक कलाकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार यार मैं यहाँ गाऊँगा ये लोग क्या सोचेंगे या वहाँ कैसे अचानक से मुझे परफॉर्म करने को कह दिया गया। उसको हर फन मौला होना चाहिए, हर समय तैयार होना चाहिए। तो उसी तरह से रियाज करने के लिए भी किसी भी सिचुएशन में तैयार होना चाहिए, सीखने के लिए भी हर सिचुएशन में तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली क्लास में बैठ के ही भाई हमारी क्लास हो रही है तो वहीं सीखेंगे। जैसे आपको अगर चलते फिरते किसी नदी के किनारे आपके गुरु कह दें या आपका जो सहायक है जो आपको सिखा रहा है, गाइड कर रहा है, वो आपको कह दे कि चलो ये चीज़ ऐसे करनी है करके बताओ, तो आप यूँ करें अरे अभी तो क्लास नहीं है, चार दीवारी नहीं है, हारमोनियम तबला नहीं है, यहाँ कैसे कुछ मुमकिन है। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको परफॉर्म करने को कह दिया तो ये नहीं कि अरे साज तो है ही नहीं, साजिंदा है ही नहीं, मैं कैसे गाऊँ। उन पर आप निर्भर नहीं हैं, उन पर आप क्या बोलते हैं डिपेंड नहीं हैं, है ना। आपका संगीत अंदर से उपजता है, स्वयंभू है। उसी तरह से संगीत का रियाज भी जो है वो स्वयंभू होता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना सीक्रेट नहीं है कि आप किसी भी जगह कर सकते, नहीं, रियाज की भी एक अपनी गरिमा है। उसको आप एक जगह अपना आसन बना के, आप एक अपना छोटा अपना एक मंदिर बना के आप उसका रियाज करते हैं, जिस भी जगह आप रियाज करते हैं वो तो मैं मानता ही हूँ, लेकिन सुख सुविधाएं अगर नहीं हैं तब भी हो सकता है। आज उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले भी मेरे पिताजी ने भी एक वीडियो दिया है कि शास्त्रीय संगीत जो है वो सर्वोपरि होता है, ना कि तानपुरा, हारमोनियम, तबला, ये जो सब है ये आपकी सहायता के लिए बनाए गए हैं, आप इन पर निर्भर नहीं हैं, है ना, ये आप पर निर्भर हैं। आप जो हैं, गायन जो है वो सर्वोपरि है, है ना। तो इसी तरह से आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, मेट्रोनोम का रियाज करने के लिए भी आपको फ़ोन की आवश्यकता होती है कि उसमें भी आपको मेट्रोनोम ऐप चलना चाहिए। आपको मैं कहता हूं कि तबले के साथ कीजिए तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक तबला हो तो हम ताल को समझ पाएं। लेकिन सबसे प्रथम लेसन, और ऐसा लेसन जैसा कि मैंने बोला है कि संगीत को जीवन में उतारना होता है, हर पल हर क्षण आपको उसका रियाज करना होता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो घड़ी है ये हमेशा आपके सामने अवेलेबल होती है, कहीं भी आप हों, किसी भी जगह आप हों, एग्जामिनेशन हॉल में तक अगर आप बैठे हैं तो वहाँ भी अवेलेबल है, है ना। इनफैक्ट मैं तो मेरे एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ तो हमारा भी एग्जामिनेशन जब स्कूल में हुआ करते थे तो अगर पेपर हो गया है तो उसके बाद अब खाली बैठने तो क्या करें, तो सामने घड़ी लगी हुई है तो उसको देख देख कि उसके साथ लय में गिन रहे हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहे हैं, है ना। तो एक लय में भी बन रही है और जांचा भी जा रहा है कि अच्छा लय अपनी सही जा रही है कि नहीं जा रही है, है ना। अब मैंने आपको लय सीखने के कई स्टेप्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप बताया मैंने ऑब्जर्वेशन, कि लय को ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले। अब ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, या तो सुनकर, या देख कर, या महसूस कर कर, यही हमारे सेंसेस हैं, है ना, यही हमारी इंद्रियाँ हैं जो हमें कोई भी चीज़ का पता देती हैं, है ना, कि भाई अगर सामने कुछ किसी का रंग हमें पता करना है तो हम देख के पता करेंगे, किसी की बू हमें मालूम चलनी है कि वो खुशबू है कि
बदबू है तो हम सूंघ के मालूम चलेगा, है ना, गर्म है ठंडा है ये हमें छूकर मालूम चलेगा, है ना, पास है दूर है ये भी हमें देख के मालूम चलता है। तो ये हमारी सेंसेस हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। उसी तरह से संगीत में भी इन्फॉर्मेशन इन्हीं सेंसेस के माध्यम से लेना है। अगर आपके साथ कोई चीज़ चल रही है, आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो आप सुनकर बता सकते हैं कि लय कैसी जा रही है, स्वर कैसी जा रही है ना। लेकिन अगर आपके सामने ध्वनि नहीं सिर्फ दिख रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से आप लय को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी जो आपका जो गाइड है या जो जैसे आपको जांचना है वो आपको सामने आप जांच रहे हो, है ना, आपको सामने ही आपका जो क्या बोलते हैं आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो वो सामने नज़र आ जाता है। क्यों? मेट्रोनोम के साथ अगर आप करते हो तो कई बार क्या आपकी आवाज़ और मेट्रोनोम की आवाज़ क्लैश हो जाती है, तो क्या होता है कि हम बोलते हैं खुद उसकी भी आवाज़ सुनते हैं, तो कई बार हम आगे पीछे भी हो जाते हैं, तभी हमें मालूम नहीं चल रहा है, जबकि मालूम चल जाना चाहिए, आपके सामने सुनाई दे रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर आपके सामने दिखाई देगी तो आपको और अच्छे से मालूम चलेगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये घड़ी है, इसका सेकेंड का कांटा मैं देख रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। तो अब इसके साथ अगर मुझे करना है तो मैं इसको सबसे पहले देखूंगा और ऑब्जर्व करूंगा किस लय में ये जा रही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ऑटोमेटिकली देख कर मैं इसका रियाज और ज़्यादा सही ढंग से कर सकता हूँ। इसीलिए मैं पहले प्रथम अगर मेरी क्लास होती है संगीत की, मैं किसी को भी बताता हूँ तो उसको यही कहता हूँ कि अपनी घड़ी निकालिए और उसके साथ रियाज कीजिए, क्योंकि वो रियाज आप कहीं भी कर सकते हैं। अब यही रियाज सुन के अगर होता है तो वो भी अच्छा ही है मेट्रोनोम के साथ, लेकिन देख कर ये और एग्जैक्ट हो जाता है, क्योंकि मालूम चल रहा है। अगर आप आगे पीछे होंगे तो आपको मालूम चलेगा। देखिए, आप खुद देखिएगा, अभी मैं गलत बोलूँगा तो आपको मालूम चलेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आप देख रहे हैं जहां मैं बोल रहा हूं वहां कांटा आगे नहीं बढ़ रहा है। कांटा आगे तभी बढ़ रहा है जब मैं उसके साथ बोलता हूं। एक, दो, तीन, चार, तो कोई भी चीज बोलनी है इसके साथ बोलिए। धा धिन ना, धा तिन ना, दो गुन, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा। देखा आपने, घड़ी के साथ रियाज करना कितना आसान है और कितना एप्ट है, कितना एक्यूरेट है कि आपके सामने आप जांच सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया है। ठीक है, तो अपने घड़ी के साथ कीजिए रियाज, कोई भी सुख सुविधा नहीं है, घड़ी तो है ही हमारे पास, है ना। सुर का रियाज करना है तो खैर उसके लिए तो चलो तानपुरा चाहिए या हारमोनियम चाहिए या हमारे वीडियोस के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन लय का रियाज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप घड़ी के साथ किसी भी सिचुएशन में कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर आप घड़ी के साथ करते हैं, क्योंकि संगीत में लय का काम वक्त को बांधने का ही तो होता है, है ना। आप समय को बांध देते हैं कि भाई मैं आठ मात्रा में बांध दिया, वो आठ की साइकिल है, वो लूप चल गया, है ना, उसी में चलेगा। तो वक्त का रियाज अगर आप ऐसी चीज़ के साथ करें, ऐसे साधन के साथ करें जो आपको वक्त का ही अंदाज़ा देती है, तो कितनी बेहतर चीज़ होगी। तो अपना रियाज कीजिए घड़ी के साथ और लय में आप जो है पक्कापन लाइए। इसी तरह देखते रहिए। और हाँ, मेरा यार तू, मेरा प्यार तू को भी ज़रूर सुनिएगा, उसे पूरा अपना प्यार दीजिए, उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमने बड़ी मेहनत करी उस पर, मास्टर निशात प्रोडक्शंस पर अवेलेबल है। शुक्रिया।